बेटमा नगर में शनिवार को सूर्यवंशी कुमरावत तंबोली समाज के भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां नव श्रृंगारित मंदिर में भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, हनुमान जी महाराज और भगवान भोलेनाथ परिवार की मूर्तियों को पूर्ण विधि विधान से स्थापित किया गया। मंदिर प्रांगण में पिछले 6 दिनों से चल रहा एक कुंडीय महायज्ञ का भी पूर्ण आहुति के बाद समापन हुआ, जिसमें समस्त यजमानों ने पूर्ण आहुति दी। महाआरती के पश्चात महाप्रसादी भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें नगर सहित आसपास के कई भक्तों ने भोजन प्रसादी का आनंद लिया। भंडारे का आयोजन शीतला माता मंदिर के सामने बोहरा समाज के बाड़े में हुआ, जो देर रात तक चला। गौरतलब है कि सूर्यवंशी कुमरावत तंबोली समाज द्वारा श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महाउत्सव का यह 6 दिनी आयोजन 13 दिसंबर से शुरू हुआ था, जो शनिवार को पूर्णाहुति और श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सम्पन्न हुआ। इस महाउत्सव को आचार्य पंडित ओम प्रकाश व्यास हसलपुर वाले ने वैदिक रीति नीति एवं मंत्रोच्चार से सम्पन्न करवाया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम का समापन आज पूरा हो गई है और यह 13 तारीख से प्रायश्चित क्रम से शुरू हुआ था और भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से यहाँ के सभी कुमरावत समाज के सभी लोगों के द्वारा अपूर्व सहयोग और पूरे गांव के पूरे बेटमा नगर के लोगों के द्वारा जो उत्साह देखा गया वो अभूतपूर्व था और उस अभूतपूर्व से भगवान श्री राम की झांकी पूरे शहर में निकाली गई। 14 तारीख को जब शोभा यात्रा निकली और शोभा यात्रा के बाद में जब भगवान आए तो फिर उनमें अन्नादिवास, फलादिवास, जलादिवास ऐसे अन्यवास जो हमारी सनातन संस्कृति में जो भगवान के संस्कार होते हैं वो सारे संस्कार किए गए और आज के दिन हम लोगों ने भगवान को स्थापित किया है। आज भगवान श्री गणेश पंचायतन के साथ में भगवान शिव और श्री रामचंद्र जी की पंचायत आज विराजमान हो गई और आज इसी कार्य की पूर्णा होती। जय श्री राम। पंडित जी आपका नाम? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।